So hello everyone, this is Manu. Welcome back to my YouTube channel Khuni Gamers. And anyway, with the another video, तो आपने वीडियो को थंबनेल पर देख लिया तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि मतलब उनका हेडशॉट रेट है वो इंक्रीज ही नहीं हो रहा, यानी 16 का, 17 का, 18 का, 20 का, इतने के हेडशॉट रेट उनका होता है। बट कई आजकल मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है अपना हेडशॉट रेट, यानी अगर आपका हेडशॉट रेट होगा तो आप किसी भी गिल्ड में जा सकते हो, किसी भी मतलब यूट्यूबर के साथ है। कई लोगों का ड्रीम होता है कि हमको यूट्यूबर के साथ खेलना है, कई लोगों का मतलब, बट कई गेम प्ले भी एक कुछ चीज़ होती है, यानी यूट्यूबर के साथ खेलना ये कोई मतलब बात नहीं हुई, बट अगर आपका गेम प्ले अच्छा होगा तो ये थोड़ी ना कि यूट्यूबर होगा तो वो अच्छा ही गेम प्ले दिखाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर गाइस आप भी अपनी हेडशॉट रेट इंक्रीज़ करना चाहते हो या आप भी अपनी हेडशॉट रेट वो बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक आपके लिए दिए हैं, तो आप अगर उनको फॉलो करोगे तो यहाँ पर गाइस जैसे मैं हेड मार रहा हूँ वैसे आप भी हेड मारोगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो में 100 डायमंड का गिव अवे चल रहा है, तो जो भी बेस्ट कमेंट डालेगा उसको मेरी तरफ से 100 डायमंड है वो दिए जाएंगे। और गाइस यहाँ पे हम 17 के फैमिली के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो यार लाइक वाला बटन दबा देना और चैनल पे जो भी भाई नया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कॉल पर सेट कर देना। गाइस यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी यूआईडी के साथ बेस्ट कमेंट है वो डालना है, तो जो भी रैंडमली बंदा होगा उसको मेरी तरफ से 100 डायमंड है वो दिए जाएंगे। और 7 बजे मैं पर डे स्ट्रीम करता हूँ, डायमंड गिव अवे करता हूँ 300-400 डायमंड का, तो 7 बजे में तुम आ जाया करो। और नोटिफिकेशन को इसलिए ऑल पर सेट कर लेना है क्योंकि जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस आप भी सब्सक्राइब वाला बटन दबा के हमारी फैमिली के जो मेंबर है वो बन जाओ। तो गाइस यहाँ पे मैं आज बताने वाला हूँ कि MP5 से आप कैसे मतलब इजीली हेड कर सकते हो या फिर कैसे इजीली हेड आप दे सकते हो, तो सब कुछ गाइस इसके ऊपर वीडियो होने वाली है। गाइस इसमें मैं आपको सब कुछ क्लियरली आपको बता दूंगा, यानी अभी चल रहा है ऑटो एम, यानी आप तुम देख सकते हो इस वीडियो में। गाइस यहाँ पे मतलब मैं अगर कितने भी बंदे मतलब जैसे मार रहा हूँ यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे मेरे 80% हेड ही पड़ेगा, यानी अगर जैसे मैं 7 किल करूँगा तो उसमें से मेरे 5 तो हेड पड़ने या फिर 6 भी हेड पड़ने। तो यहाँ पर आप भी अगर मतलब MP5 यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपका हेड वो पकड़ेगा, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि गैरेना वालों ने ना ये अपनी गन है जो MP5 या कोई भी वेपन रॉयल में आती है तो उस टाइम पे उसका मतलब जो रेट ऑफ फायर या जो कुछ भी डैमेज वेमेज है वो सब कुछ आपका बढ़ा देता है। जैसे ही मतलब आपकी वेपन रॉयल में कोई भी गन आएगी ना तो गन का मतलब लुक ही चेंज हो जाएगा, यानी एक तो मतलब आपका हेड अच्छे पकड़ेगी वो गन और चले भी मतलब सही। तो यहाँ पर ये मतलब जो MP5 है ये डबल डैमेज में मेरे पास है, अगर रेट ऑफ फायर में तो कहीं रेट ऑफ फायर में मतलब बहुत ज़्यादा रिकॉल कर देती है, बट कहीं अगर आप डबल डैमेज की गन चलाओगे MP5 में, कई लोगों के पास ये वाली है या नहीं भी है, तो भाई यहाँ पे एक बार मेरे कहने से MP5 अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ मतलब एक तरीके से आपके हेडशॉट रेट है ना, यानी अगर आपका हेडशॉट रेट है 10 का या 20 का है तो यहाँ पे आपका हेडशॉट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं क्या होता था कि MP40 यूज़ करता था, अभी भी मैं वैसे MP40 यूज़ करता हूँ, बट कहीं कंडीशन के हिसाब से सब कुछ देखा जाता है, यानी अभी कंडीशन कुछ अलग है। तो कहीं कंडीशन के हिसाब से कई लोग बोलते हैं कि मनु भाई हमारा हेडशॉट रेट वो बढ़ नहीं रहा, तो गाइस हेडशॉट रेट तब बढ़ेगा जैसे अगर आप किसी बंदे को मारते हो, तो गाइस यहाँ पे आपको बंदे को मारने के बाद आपको जो किल होता है ना उसको एक बार कंफर्म कर लिया करो, ठीक है। किल कंफर्म करने का मतलब है आपने अगर लगा कि आपको इस बंदे को मतलब हेडशॉट पड़े हैं, तो एक बार जैसे ही आपने किसी बंदे को मारा हेडशॉट से तो उस बंदे को चाहे आप मर जाओ बट उस बंदे को पूरा मार के रहो, क्योंकि आपका हेडशॉट रेट है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, यानी आपको हेडशॉट जैसे मैंने किसी भी बंदे को मारा, इस बंदे को मैंने मार दिया, तो भाई यहाँ पे आप क्या करते हैं कई कई बार कि कोई बंदा डाउन पड़ा है उसको पेलने लग जाते हैं, यानी मारने लग जाते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि इस बंदे को हेड पड़ा है तो भाई यहाँ पर आप उसको मतलब पूरा मार दो, अगर आपको लगता है कि इस बंदे को हेड नहीं पड़ा है और ये बंदा मतलब बॉडी डैमेज से मारा, तो यहाँ पे आपको उसको रिवाइव करने के लिए छोड़ देना, यानी आपको पता है आपकी हेडशॉट रेट तो इंक्रीज होगी नहीं क्योंकि आपका बॉडी शॉट आएगा। तो यहाँ पे आपको बॉडी शॉट ना मार के सिर्फ आपका एक ही एम होना चाहिए, हेडशॉट। तो यहाँ पे MP5 में क्या सीन है कि अगर आप शॉर्ट रेंज में भी इसको यूज़ करोगे, जैसे मान के चलो मैं इसको शॉर्ट रेंज में भी यूज़ कर रहा हूँ, लॉन्ग रेंज में भी यूज़ कर रहा हूँ, मिड रेंज में भी यूज़ कर रहा हूँ, यानी तीनों रेंज में आपकी MP5 आपके काम आएगी, यानी आप उससे मिड रेंज में भी बंदे मार सकते हो, लॉन्ग रेंज में भी बंदे मार सकते हो, शॉर्ट रेंज में भी बंदे मार सकते हो, यानी तीनों जगह पर आप उसको चला सकते हो, यानी आप तुम इसमें देख सकते हो यानी बंदा लॉन्ग रेंज में भी है, मिड रेंज में भी है। तो यहाँ पे मैं सभी हेड मार रहा हूँ, यानी हेड भी बहुत तगड़े वाले पड़ेंगे आपके। तो अगर आपकी हेड शॉट रेट वो इंक्रीज नहीं हो रही तो एक बार मेरे कहने से एक बार MP5 है वो यूज़ करके देखो, क्योंकि मिड रेंज में तो इसका हेड है ना वो बहुत ही खतरनाक वाला पड़ रहा है। अब यहाँ पर मेरी सेंसिटिविटी क्या है, सेटिंग क्या है, मेरी कस्टम एच डी का है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। बट गए यार 17 के फैमिली के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो 20 के जैसी अपनी फैमिली कंप्लीट होगी ना तो उस टाइम पे एक मेरी तरफ से Q&A वीडियो आएगी, तो आप जो भी आपके क्वेश्चन थे वो आप सभी मेरे से पूछ सकते हो। तो यार मेरे को पता है बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर दो यार, कोई पैसे वैसे वो नहीं लगते यार। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट इसलिए कर लेना, क्योंकि मैं पर डे 7 बजे में गिव अवे कराता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन वो सबसे पहले पहुँच जाए, और आप भी मतलब मेरी इस लाइव स्ट्रीम में वो ज्वाइन करें, क्योंकि उस टाइम पे मैं आपके सभी के कमेंट रीड भी करता हूँ। और इस वीडियो में 100 डायमंड का गिव अवे चल रहा है, तो जो भी बेस्ट कमेंट डालेगा उसको मेरी तरफ से यहाँ पे भी 100 डायमंड वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पे
अगर आप MP5 यूज़ करते हो या फिर MP40 यूज़ करते हो या कुछ भी, मतलब ज़्यादातर मतलब मेरे को कमेंट करके बता देना कि आप कौन सी मतलब गन वो यूज़ करते हो। जैसे मैं यहाँ पर अभी MP5 यूज़ कर रहा हूँ, MP40 और MP5 इज़ माई बेस्ट गन। तो गाइज आप कौन सी गन यूज़ करते हो आप भी मतलब कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि गाइज मतलब कई बार क्या होता है कि अपनी एक तो रेट ऑफ फायर वाली गन होती है, एक होती है अपनी डैमेज वाली गन। तो यहाँ पे इसका MP5 का डैमेज वाली गन आप अगर यूज़ करोगे, यानी आपको रेट ऑफ फायर वाली MP5 आपको यूज़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ करनी है डैमेज वाली। यानी आप अगर डैमेज वाली गन है तो एक तो मतलब इसका ड्रैग पता नहीं ऑटोमेटिक ऑटो एम जा रहा है, ठीक है। यानी अगर आप MP5 यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मिड रेंज, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज सभी में बेस्ट रहेगी। अगर आपकी हेडशॉट रेट इंक्रीज नहीं हो रही है तो एक बार मेरे कहने से जो आप MP5 अपने फ्री यानी फ्री फायर के अंदर जो कि आपको क्लैश स्क्वाड उस टाइम पे जब मैच खेलते हो तो आपको MP5 वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो शॉर्ट रेंज में तो इसके हेड क्या ही बोलूँ मैं यार, तुम सभी को वीडियो में देख भी रहा है और तुम सभी लोग देख भी रहे हो। और मतलब ज़्यादातर मतलब आपको थोड़ा सा ड्रैग करना है बस ऊपर की तरफ और आपका हेड है वो सीधा लेगी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ अपनी कस्टमाइजेशन और सेंसिटिविटी के बारे में। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी मेरी ये तुम देख सकते हो, जनरल मेरा 77 या फिर कभी कभी 80 के समथिंग में पहुँचा देता हूँ या फिर कभी 100 भी कर लेता हूँ। तो वो तो आपके ऊपर यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रोल है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा फायर वाला बटन, ग्लू वाला बटन, सब कुछ ये कस्टमाइजेशन मेरी आप तुम देख सकते हो। बट इसमें आपको कुछ भी चेंज करना, आपकी कस्टमाइज टीम जैसी है आप उसी कस्टमाइज टीम में खेलो। बट आपको चेंज करना है वो अपने फायर वाले बटन के ऊपर चेंज करना है। अगर आपका फायर वाला बटन आप मिडल में रखते हो या फिर ऊपर रखते हो तो यहाँ पे आपको मिडल में ना रख के और ऊपर ना रख के आपको फायर वाला बटन है वो नीचे रख देना है। अगर जो उसकी साइज होती है, जैसे आपके फायर वाला बटन की साइज है 60 साइज है, ठीक है, या 70 साइज है, तो यहाँ पे आपका अगर 60 साइज है तो गाइस उसको कम करके 50 कर लेना है, 55 कर लेना, यानी बिल्कुल कम मत कर देना, क्योंकि नहीं तो आपको फिर आपका फायर वाला बटन क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है ना कि कई कई बार हम उस कस्टमाइज टीम नहीं खेलते हैं। तो ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया था, कि लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पर जो भी बनाया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय अभी के लिए।